ऑब्जेक्टिव्स, गाइडेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एट द प्राइमरी एजुकेशन स्टेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस कैन दस बी समराइज्ड एज फॉलोज। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इट असिस्ट द स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग अ बेटर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल एक्टिविटीज़। प्राइमरी स्टेज में क्या होता है कि बच्चा अभी कितना, फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में है, तो पहले बात तो उसको मिलेगा कि कैसे उसको उस एटीट्यूड को डेवलप करना है, उसकी नॉलेज दिया जाएगा स्कूल एक्टिविटीज़ में। इट इनेबल्स द चिल्ड्रन टू अडेप्ट टू द स्कूल ट्रेडिशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल्स। स्कूल्स की क्या ट्रेडिशंस है, क्या रेगुलेशंस है, उसको बताया जाएगा। इट असिस्ट द स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग देयर फिजिकल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी इन अ बैलेंस्ड मैनर। कैसे फिजिकल और इमोशनल स्टेबिलिटी को डेवलप करना है ताकि वो बैलेंस्ड मैनर में रह सके। ये इट इनेबल्स द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एडजस्टमेंट विद द स्कूल एनवायरनमेंट में। तो स्कूल एनवायरनमेंट में कैसे बच्चों को एडजस्ट करना है, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, कैसे उसको एडजस्ट करना है उसमें, तो वो उसके लिए हेल्प करेंगे। टू मेक द स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट, हाँ ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाना है। इट इंश्योर्स कोऑपरेशन अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए। इट फैसिलिटेट्स द ट्रांजिशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइमरी टू हाई स्कूल। अभी ऑब्वियसली प्राइमरी से जो हाई स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं, तो उसमें कुछ ट्रांजिशन आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस है, तो उसके हिसाब से उसको गाइड किया जाता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू चिल्ड्रन रिगार्डिंग हाई स्कूल। फिर अब वो बच्चा प्राइमरी से अब किधर जाएगा, सेकेंडरी जाएगा, हाई स्कूल जाएगा, तो उसके रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, उसको गाइड किया जाता है। तो ये था प्राइमरी स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है कि इट मेन्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू फेमिलियराइज द स्टूडेंट विद द स्कूल एनवायरनमेंट एंड एनेबल्स देम टू कोऑपरेट विद देयर क्लासमेट्स। अब क्या है, धीरे धीरे जब सेकेंडरी स्टेज में आता है तो वह एडोलेसेंट एज में आता है बेसिकली। तो उसमें क्या होता है कि यू नो हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अग्रेसिव होते हैं, और बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इनसाइड देयर बॉडी। तो उस टाइम पे बच्चों को कैसे स्कूल एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि कैसे वो दूसरे क्लासमेट से कोऑपरेट करे क्या, तो उसमें गाइड किया जाता है। इट इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू क्रिटिकली एनालाइज द सब्जेक्ट ऑप्शंस एंड टू हेल्प देम चूज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड। अब ये क्या है, करियर डिसाइड करने का फेज रहता है कि सेकेंडरी में, कि बच्चा जिसमें जिसमें चीज़ में अच्छा है, जो सब्जेक्ट उसके लिए बेटर है, तो वो उसे एनालाइज करे और उसमें वो चूज करे, उसमें हेल्प होती है। इट इंकरेजेस द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू देयर स्किल सेट्स फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। इसमें बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ अरेंज किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो उस पर पार्टिसिपेट करें और अपने स्किल के हिसाब से वो अपना डेवलपमेंट ग्रोथ प्लान कर सकें, तो उसे इंकरेज किया जाता है। इट इंश्योर टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स ग्रो इन अ हेल्दी एन्वायरमेंट एंड हैव अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी एन्वायरमेंट में रहो और आपकी जो माइंड बॉडी वो सब हेल्दी रहे, तो ये प्रोवाइड करते हैं थ्रू गाइडेंस। टू मीट द इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स ऑफ एडोलेसेंस, मैंने जैसे पहले ही कहा कि वो सेकेंडरी स्टेज में, तो वो एडोलेसेंस के एज में है, तो एडोलेसेंट ए में बच्चों की क्या सोशल नीड्स रहती है, कैसे उसे हमें ट्रीट करना चाहिए, कैसे उसके साथ हमें यू नो समझ के चलना चाहिए, तो उस हिसाब से उसको गाइड किया जाता है। गाइडेंस इंडेवर्स टू क्रिएट एंड एनवायरमेंट फिजिबल फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। गाइडेंस क्या ट्राई कर रहा है कि बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट दे सके, ऐसा फिजिबल इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे सके जिसमें बच्चे की जो हेल्दी ग्रोथ हो और उसकी हेल्दी डेवलपमेंट हो। ठीक है, अब हायर लेवल में आ गया बच्चा, मतलब कि अब एडोलेसेंट के थोड़ा से ऊपर आ गया, स्टिल टीनेजर कंसिडर करेंगे, तो उसमें क्या एम्स है? इट एम्स टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ एडमिशन्स टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। अभी क्या है कि बच्चों कॉलेज जाने के उसमें हायर लेवल एजुकेशन में आ गया, तो उसमें कॉलेजेस ज्वाइन करनी है, तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, क्या प्रोसेसेस है, क्या क्या करना रहेगा, उसमें उसे गाइड किया जाता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स अबाउट द को करिकुलर एक्टिविटीज़ दे कैन पार्टिसिपेट इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। कौन कौन से को करिकुलर एक्टिविटीज़ रहते हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में, ये भी गाइड किया जाता है। इट एम्स टू हेल्प द स्टूडेंट्स चूज सब्जेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स दैट कैन हेल्प देम बिल्ड अ ब्राइट फ्यूचर। ऐसे ऐसे सेमिनार्स रखे जाते हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स के प्रोग्राम्स रखे जाते हैं ताकि बच्चे को हेल्प हो कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सके, ठीक है, और अपना फ्यूचर क्रिएट कर सके। गाइडेंस हेल्प एम्स टू हेल्प द स्टूडेंट्स गेट वोकेशनल एडवाइस सो दैट द स्टूडेंट्स कैन चूज अ करियर फॉर देमसेल्व्स। गाइडेंस का सबसे पहला एम क्या है कि बच्चे को हेल्प करे कि उसको अगर कोई वोकेशनल कोर्स में अच्छा है तो उसको एडवाइस दिया जाए कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे ताकि वो अपना करियर खुद डिसाइड कर पाए।
इट हेल्प्स इट एम्स टू डेवलप एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू द एजुकेशनल एंड सोशल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. मतलब बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिसमें वो एजुकेशनल और सोशल नीड्स स्टूडेंट्स की पूरी हो. Guidance plays an important role in the development of an individual. Guidance thus has a developmental function associated with it, which helps in self-realization. Guidance ka sabse important role yehi hai ki hume individual ki development karni hai. Guidance ka developmental function kisse associate hai? Self-realization, self-development individual ki. Individual jab tak wo khud realize nahi karega ki wo kis cheez mein acha hai, khud uski development nahi ho sakti, to ye guidance help karta hai. Guidance also helps in national development. अब आप नेशन के भी काम आओ, नेशनल के इंटरेस्ट में आप काम करो, तो ये भी गाइडेंस हेल्प करता है. ठीक है, ताकि आप नेशनल का डेवलपमेंट करो. बेसिकली एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है तो वो नेशन का ही डेवलपमेंट हुआ ना. अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गाइडेंस इज एडजस्टिव फंक्शन. एडजस्ट हो सके. एडजस्टिव फंक्शन क्यों है? क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता कि सोसाइटी में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या डिसिप्लिन है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, तो ये सब हमें स्कूल्स में आके पता चलता है, उधर गाइड किया जाता है हमें, तो कैसे हमें एडजस्ट करना है. तो ये एडजस्टिंग फंक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है. गाइडेंस हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू एडजस्ट टू देयर एनवायरमेंट विच कैन बी देयर स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस और इवन होम. हमें कहाँ पे कैसे एडजस्ट होना है तो उसका गाइडेंस भी हमें दिया जाता है. हैंस बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू एडजस्ट, गाइडेंस वर्क्स टू इंश्योर दैट एन इंडिविजुअल कैन लिव पीसफुली इन हिज एनवायरनमेंट. तो इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल्स की हेल्प की जाती है, कि इंश्योर किया जाता है कि जो इंडिविजुअल वो अपने एनवायरनमेंट में पीसफुली रह सके. ओरिएंटल फंक्शन ऑफ गाइडेंस इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू बी ओरिएंटेड विद द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स दैट दे मे फेस. ओरिएंटल फंक्शन क्या है गाइडेंस का? कि स्टूडेंट्स को ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जा सके ताकि उसकी हेल्प हो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में जो वो फेस कर रहे हैं, उसको गाइड किया जा सके. गाइडेंस ओरिएंट्स एन इंडिविजुअल टू करियर प्लानिंग, एजुकेशनल, पर्सनल एंड सोशल. सबसे बड़ा गाइडेंस जो है वो करियर गाइडेंस है. बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा करियर लेना चाहिए, कौन सा उनके लिए सूटेबल है, तो करियर गाइडेंस में उस चीज़ को उसको हेल्प मिलती है कि उन्हें ऐसा बताया जाता है कि तुम्हारे ये वाली यूनिवर्सिटीज़ तुम्हें ये कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, इतने पैसे लगेंगे, ये चीज़ें हैं, तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से वो क्वेश्चंस पूछते हैं और उस हिसाब से वो तुम्हें गाइड करते हैं. तो करियर प्लानिंग भी होती है, बच्चा थोड़ा खुलता है, उसे पता चलता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ये हर स्कूल को प्रोवाइड करना चाहिए. बेसिकली ये इसका एम है, और गाइडेंस ज़रूरत है हर बच्चों की.